राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर, इन्होंने शहर के सीताबर्डी स्थित महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के उपलक्ष्य में लक्ष्मी भवन चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा को भी माल्यार्पण कर अभिवादन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर, इन्होंने महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य पर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने अपील की कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर चलने की आज जरूरत है। आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी यांची जयंती दिवस है। आज मोठा दिवस है, पुण्याचा दिवस है। सर्व भारतवासी हे जयंती उत्सव मनवत आहे। खऱ्या अर्थाने त्यांच्या विचाराशी आपण जेव्हा चालू तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्यांना आपण त्यांची जयंती मनवत आहोत असं सिद्ध होईल। मी सर्वांना विनंती करतो की महात्मा गांधीच्या पावल्यावर लाल बहादूर शास्त्रीच्या विचारांनी 100% तर मला वाटते शक्य नाही आजच्या काळामध्ये, पण जेवढं शक्य आहे प्रत्येकाकडून तेवढी त्यांची विचारसरणी आत्मसात करावी, वरती आधारे पुढे चालावं अशी मी सर्वांना विनंती। अनिल अहिरकर द्वारा शहर के चितारोली स्थित गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए राह पर चलना जरूरी है, ऐसी अपील जनता से की है। महात्मा गांधी यांचा आज जयंती जन्मदिवस आहे। या प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। माझ्यासमोर विजय माटे हे आयोजक आहेत और मध्य नागपूरचे विधानसभा अध्यक्ष विनय मानापुरे यांनी संयोजन केलेलं आहे। या प्रसंगी एवढं सांगू इच्छित का जयंती पुण्यतिथी हे मनवणे हा एक वेगळा पार्ट आहे, परंतु त्यांच्या विचारावर जर आम्ही गेलो पुढे चाललो तर खऱ्या अर्थाने त्यांना आदरांजली होईल असं या प्रसंगी सांगू इच्छितो। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपूर।